ओके सर, थैंक यू। कहानी का दूसरा भाग हमें ले जाता है फिरोजाबाद, उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जिसे चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है, बैंगल कैपिटल ऑफ द कंट्री, जहां पे आपको चारों तरफ रंग बिरंगी हरी पीली लाल हर रंग की चूड़ियां देखने को मिल जाती हैं। वो चूड़ियां जो सुहाग की निशानी है, वो चूड़ियां जो खुशियों की निशानी है, आपको सुनकर हैरानी होगी, उन चूड़ियों के चलते कई सारे मासूम बच्चे, बच्चे मीन्स यहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों, 18 साल की उम्र आने से पहले पहले अपनी आंखों की रोशनी खोल देते हैं। ये कांच की चूड़ियां अंधेरे कमरों में कांच को पिघलाकर बनाई जाती है। फर्नेसेस पे बिना प्रोटेक्शन पे काम करते हुए बच्चों की आंखें इतनी डैमेज होती हैं कि 18-20 साल की उम्र आते आते आंखें खराब हो जाती हैं। ऐसे में एक ऑथरिस मिलती है एक लड़के से जिसका नाम है मुकेश। मुकेश एक बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता, वो एक मैकेनिक बनना चाहता है, वो कार चलाना चाहता है, उसका एक ही मकसद है मैं कार चलाऊं, और कार चलाने के लिए वो मोटर मैकेनिक बन रहा है। मैकेनिक क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उसे कार चलानी है, वो चूड़ियां बनाना नहीं चाहता। फिर अनीस जंग फिरोजाबाद की गलियों में घूमती है, वहीं वहां की महिलाओं से मिलती है जिनकी जिंदगी नर्क से बुरी है। जब मुकेश के घर वो पहुंचती है तो एक कमजोर सा दरवाजा है जिसके अंदर एक युवा लड़की, 17 साल की लड़की, इसके भाई की पत्नी, कम उम्र में शादी हो चुकी है, अब वो घर की बहू है, उसे 3 पुरुषों का ख्याल रखना है, उसके ससुर, उसका पति और उसका देवर मुकेश। घर पे खाना पक रहा है, चूल्हे में फूंके मार मार के इनकी सांसें चढ़ने लगती हैं, हालत बहुत दयनीय है, फिर भी ये अपने आप को लकी मानते हैं, इनके पास अपना मकान है। कई सारे लोग हैं जो मतलब बिना मकान के एक एक कमरे में 20-20 लोग धसे भरे पड़े हैं। आपको रियलाइज नहीं होता कि इन चूड़ियों की खूबसूरती के पीछे कितना अंधेरा है। एक बूढ़ी अम्मा कहती है पूरी जिंदगी कभी एक शेर पेट भर खाना नहीं खाया, मतलब जीवन में कभी नहीं आया कि वन टाइम ऐसा मिला हो जीवन में कि पेट भर खाना खा पाए हो। आप उनकी जिंदगी का स्ट्रगल और तकलीफ समझिए। अनीस वहां के यूथ से मिलती है, उनसे पूछती है कि आप लोग अपना एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, आप ऑर्गेनाइज हो जाइए, चूड़ियों का एक कोऑपरेटिव बना लीजिए, फिर आप अच्छा भेजेंगे। यहाँ पे थोड़ी जानकारी दे दूं, कोऑपरेटिव ऐसी संस्था होती है जिसमें गांव के लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोडक्शन करते हैं और पैसा कमाते हैं। आप जानते हैं कोऑपरेटिव का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कौन सा है दुनिया में? हमारे अपने गुजरात का अमूल, अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल का फुल फॉर्म है ये, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद के गांव के, आनंद गांव गुजरात का ही बहुत एक प्यारा सा गांव है, यहां से 80 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से। वहां के लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई जो आज नेशनल रेवोल्यूशन है। अमूल के अंदर सब कुछ किसान करते हैं, दूध इकट्ठा करना, दूध बेचना, ये सारा काम किसानों के थ्रू होता है, मुनाफा भी किसान लेते हैं, इससे उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाता, उनको कोई लूट नहीं पाता। हाँ सर, जो मुंबई की पोल्स्टन कंपनी थी जो यहाँ से हम मतलब लो प्राइस पे मिल्क लेके वहां पे बेचती थी हैवी प्राइस पे, ऐसे ढेरों हैं। इवन किसानों के साथ गलत व्यवहार भी होता था, दूध जब वो बेचने जाते थे तो क्योंकि अब कोई 4 लीटर लाया, कोई 5 लीटर लाया, उनके दूध की पूरी वैल्यूएशन नहीं मिलती थी। कई बार दूध ट्रांसपोर्ट करने में, दूध आप जानते हैं पेरिशेबल नेचर का प्रोडक्ट है, तो फट जाता था। तो अनीस उनको सजेस्ट करती है कि आप लोग एक कोऑपरेटिव बना लो। तो वहां का एक युवक कहता है कि कोऑपरेटिव हम बना ही नहीं सकते, यहाँ पे एक नेक्सस है, नेक्सस का मतलब समझो बेटा, एक बहुत बड़ा जाल, बहुत बड़ा षड्यंत्र जिसमें पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और मनी लेंडर्स चारों जुड़े हुए हैं। इनमें से कोई कुछ भी इनको किसी भी केस में फंसा कर जेल के अंदर डलवा देता है, मारता है, पीटता है, और ये कुछ नहीं कर पाते, इसी वजह से ये दबे कुचले से रह जाते हैं। मुकेश को देखकर ऑथरिस के मन में एक उम्मीद जागती है कि ये लड़का तो कम से कम अपना जीवन बनाएगा, अपना रास्ता चुनेगा, वो इस बात को लेकर भी खुश है। ऊपर से उड़ते हुए एक प्लेन को देख के अनीस उससे पूछती है, क्या तुम्हारा प्लेन उड़ाने का मन नहीं करता? तो मुकेश कहता है नहीं, अपनी आंखें झुका लेता है। इससे हमें पता चलता है कि मुकेश को रियलाइजेशन है कि उसकी जिंदगी कितनी कठिनाइयों से भरी हुई है। ओके गाइस, तो यहां